नौजवानों को जो खुद का काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आके बड़े बड़े उद्योग देने लगे, जिससे नौकरियों की संभावना बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर आए हमारे साथी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले आए, ऑफर करें नौकरियाँ आप लोगों को, सरकारी नौकरी जहाँ विभाग में पोस्ट क्रिएट होती है, उसके बाद में पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। कई बार सेविंग के नाम पर हजारों लाखों पोस्ट खाली रहती है कई राज्यों के अंदर। आप देख रहे, अभी अशोक चांदना जी बता रहे थे आपको, 1,35,000 नौकरियां हमने दे दी, 1,25,000 का अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है, और 1,00,000 की मैंने और घोषणा कर रखी राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं नौजवानों को नौकरी मिले, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनमें असंतोष पैदा नहीं हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना हो, और उनके पेरेंट्स को भी, पेरेंट बहुत बड़ी चिंता करते हैं कि मेरे बेटा पढ़ तो रहा है, बीए करेगा, बीएससी करेगा, एमए करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, पर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नौकरी प्राइवेट में भी होती है, सरकारी भी होती है, पर अगर नौकरियों का माहौल बनना जरूरी है जिससे कि असंतोष पैदा नहीं हो। जो हमारी भावी पीढ़ी देश की है, आपके ऊपर भार है कल के भारत का। अच्छे संस्कार स्कूल से कॉलेज से हो, अच्छी परंपराएं हम सीखें, अच्छी सोच हम पैदा करें, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था जब राष्ट्रपति थे, सपना देखना सीखो। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, सपना देखो, मुझे ये बनना है, इस दिशा में जाना है। और सरकार की ड्यूटी है कि वो माहौल बनाए जिससे कि संभावना बढ़े। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम सबकी सोच होनी चाहिए, तब जाके मैं समझता हूँ हमारे देश के नौजवानों का, हमारे प्रदेश के नौजवानों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो युवा शक्ति है वो मानव संसाधन के रूप में, अच्छा मानव संसाधन बने, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े राजस्थान का, एक माहौल खुशी का माहौल हो घर के अंदर,